जैसे कि आप बता रहे थे कि रमज़ान भी है, लेबर का काम कम होना चाहिए, बट आप बकरों के इसमें जैसा कोई वो कमी नहीं रखते हो, है ना? नहीं, फीड में उनका फीडिंग टाइम है और निलाने का है, तो हम लोग दोनों आ जाते हैं और अल्पमज भी आता है, तो दोपहर में हम लोग निला तो देते हैं। ओके। जितने भी हो सके निला के, 12 से लेके 4 के बीच में जितने बकरे नहा सकते हैं हम निला देते हैं, चाहे वो 5 हो, 10 हो, अच्छा जैसा भी हो, जितना निला के। तो निलाने का काम आप लोग खुद ही करते हो? हम लोग ही करते हैं निलाने का, बंदे लोग भी आते हैं साथ में, लेकिन ज्यादा करके हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। अच्छा, साफ सफाई वगैरह का काम जो है वो लोग करते हैं? लोग करते हैं, स्टाफ करता है, जो सफाई के लिए आदमी वो करता है, लेकिन रमजान के चलते हुए हम लोग ने सहूलत दिए हुए की तुम्हारे को जी तुम्हारी फैसिलिटी के हिसाब से सफाई कर दिया करो, ताकि वो रोजे छोड़े नहीं। जी जी, रोजे छोड़ देगा तो हम लोग गुनाहगार हो जाएंगे, बोलेंगे यार सेठ लोग तो काम कम ही नहीं कर रहे, तो हमने रोजा तो आखिरत में पकड़ हमारी। इसलिए वो तो उनका भी काम है कि रोजा उन पे भी फर्ज है तो वो भी रखे, बाकी आप लोग पे है कि आप लोग उनका काम किस तरीके से कम करें। वो लोगों की मेहनत है जी, इतने धूप में भी वो रोजे रख रहे हैं, रख रहे वो मतलब रोजा उन्होंने छोड़ा नहीं। जी जी, लेकिन हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि उनको उनकी फैसिलिटी दे। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और अभी जैसे कि ईद का टाइम भी करीब आ रहा है, है ना, तो आपके कितने बकरे आने वाले हैं ये बार में बेचने के लिए? अप्रॉक्सीमेटली 600-700 बकरों का प्लान है ना। 600-700, माशाल्लाह 600-700 बकरों का प्लान है बकरीद के बाद में इंशाल्लाह। तो उनके लिए ये जो आपने सेकंड लॉट फोर्थ फेज बताया वो बनेगा ना इंशाल्लाह, वो जो माल आएगा उनके लिए फोर्थ फेज बनेगा। ओके, और अभी आपके फार्म पे आपके पर्सनल खुद के कितने बकरे होंगे? हमारे 30 के अप्रॉक्सीमेटली 30 रहना चाहिए। 30, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन इसके लिए था क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे आया था कि लाइक जो पलाई के बकरे रखते हैं, फार्म होता है, तो वो जो पलाई के जो पैसे आते हैं ना, लाइक पलाई के जो बकरे के कॉस्टिंग में अपने खुद के बकरे फ्री करते हैं, तो ये मेरा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने पूछा कि आपके बकरे कितने हैं, तो इसमें आपका क्या क्या कहना रहेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी उनके लिए एक छोटी सी स्माइल दे रहा हूँ जी, क्योंकि देखो लोग रहते हैं क्वेश्चन करते हैं, तो मेरे दिमाग में ऐसा आया, स्माइल इसीलिए दे रहा हूँ भाई लॉजिक ही नहीं बनता। आप कैलकुलेशन मारो ना जी, तो किसी के बकरे फ्री नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके अंदर है हर बकरे का अलग अलग ये रहता है, फीड कॉस्ट रहता है, और कॉस्ट है ना वैल्यू बन जाता है। हाँ। अगर वो देखने के लिए जाएंगे ना, हाँ, तो फिर आदमी है ना, फिर कस्टमर से है ना लूट एंड सेल चालू कर देगा। पहली बात तो देखो, हमारे यहाँ पर हम लोग वैक्सीनेशन चार्जेस नहीं ले रहे, जी जी। ना हम खूर काटने का चार्जेस ले, ना हम लोग डॉक्टर विजिट का चार्जेस ले। और तुमको भी मालूम है कितनी कम है पलाई, जो मैं रिवील नहीं कर रहा, ताकि कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, लोग जो ले रहे हैं ज्यादा उनको भी प्रेशराइज करेंगे। बिल्कुल, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से किसी की रोजी रोटी के ऊपर दिक्कत आए, मैं मेरे को जो जमता है मैं वो कर रहा हूँ। नहीं, अपनी तरफ से जो है अपने मतलब पढ़ाई की जो कॉस्टिंग है वो कम ही रखे, वो तो जो आएगा जो मतलब बकरे रखेगा उनको इंशाल्लाह आइडिया मिल जाएगा इस बात का। बट एक्चुअली लोगों का क्वेश्चन भी बहुत अलग अलग रहता है। कैलकुलेशन के हिसाब से देखो, अगर देखा जाए ना, तो बकरा अगर आ रहा है, न्यू आ रहा है, अगर वो बीमारी में आ जाता है, जब अगर वो सेकेंड डे है ना बीमारी में आ जाता है, तो उसका जो कॉस्टिंग पड़ता है ना जी, वो पूरे साल भर की है ना आदमी की ना पलाई का ये हो जाता है। तो नहीं, ये तो बात सही है। तो उनके लिए तो आपने सिर्फ एक स्माइल दे दिया है जिस तरीके का उनका क्वेश्चन है। एक्चुअली मेरे पास बहुत पहले से क्वेश्चन था और मैं सोचा था कि आपसे पूछूंगा, बट टाइम नहीं मिल पाया, विजिट नहीं हो पाया। मेरे हिसाब से किसी का हाथ से मेहनत का पैसा निकल जाए वही है जी जी बड़ी बात हो जाती है। हाँ, मेहनत का पैसा निकल जाए बेशक है भाई। देखो सबके सामने रिजल्ट है, गाड़ी है यहाँ पर, अल्लाह ने दिला है, भले वो जैसा भी है, छोटी है जो भी है, मेहनत के पैसे की कार होती है भाई, छोटी है बड़ी, इस समय लेना देना नहीं है, वो बकरों के जरिए निकली है। तो हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते, हम लोग है ना दिल खोल के करते हैं जी जी। तो कुछ ना कुछ बचत हो जाती है, तो उसके अंदर अपने बकरों के लिए अलग ही रखता है। हम लोग ऐसा नहीं है कि वो बकरों को इसके अंदर काउंट कर रहे हैं जी, हम लोग ये बकरों को सेपरेट ही रख रहे हैं, हमारे बकरों का कैलकुलेशन अलग ही है। मतलब वो पलाई किसमें नहीं आता, इंक्लूडेड ही नहीं, वो भाई वो हम लोग हमारे जेब से पलाई डालते हैं, जो लोगों से लेते हैं ना वही पलाई उसके अंदर हमारे अकाउंट में जाती है। मेरे एक अकाउंट से जो हमारे जो आरके गोट फार्म के अकाउंट में है ना, अच्छा माशाल्लाह, ऑलमोस्ट है ना पलाई वो डिपॉजिट होती है माशाल्लाह। नहीं तो बहुत अच्छा, हम लोग उसके अंदर अगर ये करने लग गए ना, तो फिर हमारे को हिसाब नहीं मिलेगा और हम लोगों को हमेशा लॉस दिखेगा। नहीं बात सही, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम हमारे बकरों की भी पलाई का पैसा डाल रहे हैं। अगर ऐसा अलग से उसी में अगर जोड़ने लगेंगे तो फिर कुछ दिखने में नहीं दिखेगा भाई, प्लस दिखेगा ही नहीं, लॉस में ही दिखेगा। तो अभी आपके 30 बकरे हैं यहाँ पर, है ना? हाँ। तो बेचने के लिए है वो मतलब फॉर सेल है उसमें से या फिर कैसा है? देखो कुछ बकरों का सौदा हो चुका है, पेमेंट नहीं आया है। हाँ। तो बेचने के लिए ही है, लेकिन कुछ बकरे बेचना नहीं है। हाँ। अपने खुद के बकरे रहना जरूरी है, रीजन क्या है? हाँ। क्योंकि है ना पता चलता है कंपैरिजन क्या है। जी जी, हर बाड़े में मेरा कोई ना कोई एक बकरा रहेगा, लोगों को पता नहीं, मैं बताता नहीं। अच्छा, मैं कंपैरिजन करता हूँ,
ओके, मेरा ये बकरा है, मेरा बकरा अच्छा बन रहा है, हाँ, ये बन रहे क्यों नहीं बन रहे, अगर okay. वो अच्छे बन रहे तो मेरा क्यों नहीं बन रहा? हाँ, मतलब फोकस ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने बकरों पे कर रहे हो, वो दूसरे की अमानत के वजह से ही ज्यादा करके मेरे लोगों की जब जिम्मेदारी आई थी तो लोगों मेरे खुद के बकरे थे तो ज्यादा करके मैंने बकरे ना अपने बेचे जो एंटी कोट सिंह, हाँ, तो वो मोस्टली है ना मैंने मेरे दोस्तों को दे दिया, बोला फार्म पे से लेके चले जा क्योंकि मेरा है ना मेरे बकरों पे ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि लोगों की जिम्मेदारी आई जी जी, तो वो जिम्मेदारी को निभाना जरूरी है और मेरे बकरों पे ध्यान नहीं जा रहा था क्योंकि एक साथ में एक बूम आया, हाँ, तो मैंने मेरे दोस्तों को ऐसे ही दे दिया, गिफ्ट हो गया, समझ लो गिफ्ट ही है, हाँ, अगर वो इतने बड़े बड़े हथियार वाले अगर सिंह आप पूछने के लिए जाओगे ना किधर, तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते, मैंने बस माउथ भी नहीं है, लॉस वाला हिसाब है बस, आ तेरे को जितना देने का दे दे ये लेके, अच्छा वैसा वाला हो गया, नहीं कि सबसे ठीक है, और माशाल्लाह यही ट्रांसपेरेंसी जो आज के गुड फार्म पर है इसी वजह से माशाल्लाह आपको इतनी इज्जत है, लोग इतना पूछते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपेरेंसी के वजह से और जो सच्चाई बयान करते हैं तभी तो अल्लाह ताला ने नवाजा है माशाल्लाह, और लोग ट्रस्ट करते हैं और लोगों के बकरे गेन होके मिल रहे हैं, कभी ये देखो लाइव स्टॉक है माजबा, ऐसा नहीं बोलूंगा कि 100% रिजल्ट है, हाँ, कहीं भी नहीं मिलेगा, नहीं, कहीं का छोड़ दो, मैं मेरे पास की बात करता हूँ, 100% रिजल्ट पॉसिबिलिटी नहीं है, लाइव स्टॉक है, हाँ, लाइव स्टॉक ऐसा है कि आज कितने बकरे बीमार होते हैं वो पता नहीं, बिल्कुल, अगर बकरे एक दो भी बकरे बीमार हो गए तो 100% रिजल्ट में आप कैसे जा रहे, बिल्कुल नहीं, 100% तो कोई नहीं बोल सकता, लोग बताते हैं तो वो समझ में नहीं आता कुछ है भाई, लोगों को बुरा लगेगा मेरी बातें, लेकिन मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पर नहीं है, कोई मसाला होगा, मोर्टेलिटी होती है जी, तो मोर्टेलिटी में भी 100% रिजल्ट में कैसा आता है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर 100% रिजल्ट का दावा है या चैलेंज है जो भी है तो 100% रिजल्ट उसी को बोला जाता है क्या हर बकरा एक ही लेवल में, हाँ, मतलब कोई भी वेट लॉस भी नहीं कर रहा है, हाँ, या फिर बीमार नहीं हो रहा है, या फिर हो सकता है फार्म में ऐसा कुछ हो कि बकरे बीमार नहीं पड़ रहे, हाँ, तो नहीं गेनिंग पे ही आ जाए, खाली प्लस प्लस बता के फायदा नहीं है जी, माइनस भी होते हैं, मेरे यहाँ पर भी हो रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 200 बकरे हैं, हाँ, तो 200 बकरों में से 8 से 10 बकरों ने भाई हो सकता है स्टेबल हुए हैं जी, या माइनस वेट पे कस्टमर है, कस्टमर खुद मेरे देखेंगे तो बोलेंगे कि हाँ, भाई, हाँ मेरा बकरा गेन पे नहीं आया, मैं खुद नाम लेके कस्टमर को तो कैमरे पे बिठाता हूँ, हाँ, और मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालता, देखो भाई ये बंदे का बकरा मेरे पास गेन नहीं, यही तो सच्चाई है कि फिर लोग कस्टमर भी ऐसा कहते हैं कि हाँ भाई जो है वो आपके सामने है, तो जैसे कि समझो कोई बकरा वेट लॉस करता है तो आप कस्टमर को कैसे फेस करते हो? भाई देखो मैं सच्चाई बयान करता हूँ कि आपका बकरा वेट लॉस नहीं किया है, हाँ, अभी मेरे पास एक बकरा है इमरान भाई यूके वाले का, हाँ, जो 2 महीने से गेनिंग पे नहीं था, स्टेबल था, ओके, मैंने प्रॉपरली डी वार्मिंग किया, हो सकता है कि 2 महीने से वो बकरे के हमारे यहाँ पर जब नए बकरे आए 3 से 4 वैक्सीनेशन हो गए 2 महीने में, हाँ, क्योंकि 2 महीने के 3 वैक्सीनेशन हुए जी, एक ही और फिर 2 टाइम हम लोग ने डी वार्मिंग की जी, तो हो सकता है कि वो बकरा इम्यूनिटी लो रहेगा, तो वो गेनिंग पे मैक्सिमम गेनिंग पे थे, हाँ, लेकिन वो नहीं आया गेनिंग पे, हाँ हाँ, तो मैं बोला भाई ठीक है 1 महीना और देखते हैं, ओके, और अब मैं और जोर लगाऊंगा क्या इसके ऊपर, क्या भाई ये गेनिंग क्यों नहीं कर, बिल्कुल, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता, ओके, तो माशाल्लाह ये महीने में उसने 650 to 650 kg गेन किया माशाल्लाह, तो फिर वो कस्टमर का एक भरोसा बन जाता है, ट्रस्ट हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है कि नहीं भाई ये बंदे लोगों ने, तो हम लोगों का ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि महीने में 1 से 4 के बीच में ही वजन देना है तो हम लोग वही टाइम पे वजन जी जी नहीं, क्योंकि रैंडमली मेरे को डाउट हो जाएगा तो मैं बकरे को निकालता हूँ और उसका वेट करके देखता हूँ कि भाई ये अभी है, हाँ, अब 15 दिन के बाद में ये गेनिंग कर रहा है या माइनस में जा रहा है, हाँ, तो वो हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से हमको देखना है कि चलो फॉर एग्जांपल एक बकरा अभी मैंने 15 दिन पहले समझो 5 तारीख को जिसकी हम लोगों को वीडियो बनाना है, 5 तारीख से 15 दिन पहले मैंने 20 तारीख को वेट किया था वो 70 kg पे था, तो 5 kg पे 5 तारीख को अगर मैं वेट कर रहा हूँ तो वो 70 से 75 हो रहा है या 72 हो रहा है, तो मंथली मेरे को 5 से 10 kg का वो गेन दे रहा है, तो ओके आई एम सेटिस्फाइड, 70 kg है और 15 दिन में उसने 1 kg भी गेन नहीं किया, okay. तो फिर वो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क का सवाल, हाँ, कि क्यों नहीं वेट गेन हो रहा है, वेट गेन क्यों नहीं किया है 15 दिन में किया, हालांकि उसने स्टार्टिंग के 15 दिन में 5 kg गेन कर, बिल्कुल, तो वो मेरे लिए ऐसा है कि हाँ स्टेबल है, लेकिन ये 15 दिन में ऐसा क्या हो गया तो इसने वेट गेन क्यों नहीं, अच्छा मतलब ऐसा नहीं कि पूरा महीने का काउंट करके छोड़ दिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग पूरा ऑब्जर्वेशन में रहते, आना जरूरी है, इसीलिए हम लोग आके यहाँ पर बैठना वो नहीं है मकसद, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आने के साथ में फील्ड में जाना जरूर जी, जी आप भी बैठे थे, हाँ, आने के साथ में मैं आपको मिला हूँ, मैं अंदर रहूँ, हाँ, आपने पहले ही जो न्यू बकरा आया उसको मतलब जो भी आपकी दवा वगैरह थी, हाँ,
वो सब करके सेटल करके किया हूँ, उसे वेलकम ड्रिंक दिया जाता है, वो ड्रिंक वेलकम ड्रिंक, हाँ तो वो वेलकम किए, उसके बाद में फिर मैं अंदर बाड़े में राउंड मारे हैं, फिर हम लोग नमाज करने के बाद में मैं यहाँ पर आया, बराबर के बाद में वही पूरा बाड़े चेकअप करके आया जी। सवाल ऐसा था कि भाई कुछ डाउन दिख रहा है तो क्या जवाब आया, नहीं भाई डाउन कोई भी नहीं। उसके बाद में हम लोग जाने से पहले भी राउंड हो गए, ओके मतलब ऑब्जर्वेशन, हम लोग तीनों भाई है ना, वही मैं और अल्तमश, हम तीनों भाई लोगों का राउंड होता है, कभी मेरे नजर से चूक गया तो वो पकड़ लेता, अच्छा कभी उसके नजर से चूक गया तो अल्तमश, कभी दोनों के नजर से चूक गया तो मैं, तो तीनों जन एक दूसरे को कम्युनिकेशन करते हैं, वो माशाल्लाह ये चीज अच्छी है कि आप लोगों के आपस में मतलब थोड़ा बोलते हैं ना, लाइक जो भी प्रॉब्लम रहेगा साथ में मिलके फेस कर लेते हैं। मेरे यहाँ पर देखो ऐसा है कि मेरे यहाँ पर सेठ कोई भी नहीं और नौकर कोई भी नहीं, अच्छा मेरा स्टाफ भी सेठ है हाँ, और हम लोग भी नौकर है, ऐसा हिसाब, अच्छा स्टाफ सेठ और हम लोग नौकर, वो वाला हिसाब है, क्योंकि वो लोग जो है वो लोग हम लोगों से ज्यादा तवज्जो, बिल्कुल खुदा ना मेरा स्टाफ में है वो सगीर है, अगर वो रात में 9-10 बजे भी राउंड मारता है ना, उसको कोई बकरा डाउन लगेगा तो फटाक से वीडियो डालता है, बोलता है भाई ये बकरा डाउन लगा, जी जी भी वो टेम्परेचर चेक करता है, ओके हालांकि अपने पास ही आगे सीखा है सब कुछ, अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा, तीन महीने में बहुत अच्छा एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट के साथ में रहोगे तो एक्सपर्ट बनना ही है ना, नजर पकड़ लेता है बकरे को, फिर उसके बाद में टेम्परेचर है, हाँ टेम्परेचर नहीं है तो फिर नेक्स्ट डे वापिस ऑब्जर्वेशन में जाता है कि ये बकरा खा रहा क्यों, ओके माशाल्लाह, फिर उसके बाद में फिर पूरा वो रिदम में लगा, आगा खा रहा पी रहा तो फिर ठीक है जी। अच्छा वेलकम ड्रिंक क्या रहती है बकरों की, जैसा आपने बताया मेरा वेलकम ड्रिंक तुमने देख लिए रहेंगे, वेलकम मतलब हम लोग उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, जी जी दांत चेक करते हैं, वजन चेक करते हैं, पोटेशियम से पैर भी धुलाया जाता है घुटनों के तरीके से, और कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती है, जी जी मैंने देखा पूरा पूरा एकदम फर्स्ट टाइम मैंने लाइव देखा ये चीजें कि मतलब किस तरीके से बकरे को चेकअप किया जाता है, आपने कुछ फोड़ी वगैरह भी बताया था, कुछ दाने होते हैं, बॉडी चेक करने बोला कि बॉडी पे दाने भी नहीं है क्या, नहीं क्योंकि गर्मी की वजह से कुछ दाने आ जाते हैं, कुछ गोट पॉक्स के सिम्टम्स भी दिख जाते हैं, ओके तो उसकी वजह से, तो जैसे कि जैसे बकरा आया और सब पूरे तरीके से बीमारी में है तो वो भी ट्रीटमेंट आपकी तरफ से फ्री रहता है, फ्री है पूरा, अगर बड़ी से बड़ी बीमारी आती है तो।